खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश की सियासत में इन दिनों आवास योजना का मामला प्रमुखता से छाया है। दोनों ही पार्टी इस योजना को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। इसी बीच भाजपा लगातार मोर आवास मोर अधिकार के तहत कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव कर रही है। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा के निवास का घेराव करने भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। वहीं दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा नेताओं के पास जाकर उनसे ज्ञापन लिया। मोर आवास मोर अधिकार की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी विधायकों के निवास, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके निवासों को घेर रही है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी जो है रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के आवास को घेरने के लिए यहाँ पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस विधायक के जो समर्थक है रायपुर ग्रामीण कांग्रेस विधायक के जो समर्थक है वो भी ठीक सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी इस साइड है तो कांग्रेस विधायक के जो समर्थक हैं वो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है, और ये एक तरह से टकराव की स्थिति यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस विधायक के निवास की ओर कूच करना चाह रहे हैं, तो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और नेता है वो अपने विधायक के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो है एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर ये बीजेपी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के निवास को घेरने के लिए यहां पहुंची, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया और बड़ी संख्या में सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के जो नेताओं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं ठीक सामने विधायक निवास के ठीक सामने वो भी अपना झंडा लिए खड़े और बीजेपी के जो नारे लगा रहे हैं उसके जवाब में वो भी केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये इस तरफ जो है कांग्रेस समर्थक जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के कुछ नेता उस तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर कांग्रेस के जो नेता है वो मौजूद है, कांग्रेस के जो समर्थक है वो मौजूद है। ऐसे में एक टकराहट की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, क्योंकि ऐसे बहुत कम होता है जब एक साथ दोनों दलों का एक ही जगह पर प्रदर्शन हो और बीजेपी के नेता यहाँ पर विधायक सत्यनारायण शर्मा के निवास को घेरने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पर पुलिस ने पहली बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। लेकिन ठीक सामने विधायक निवास के ठीक सामने ही अपने विधायक के समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो इस तरह से दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच जो टकराहट की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में सुरक्षा किसी तरह की अनहोनी न हो इसके लिए बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार दोनों ही तरफ से नारेबाजी हो, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। ये तस्वीर दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी जो है वो इस वक्त हो रही है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के जो सत्यनारायण शर्मा विधायक हैं उनके जो समर्थक हैं वो भी दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ वो भी मौजूद हैं और इस घेराव का वो विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही जो दल हैं उनके नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी वो यहाँ पर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस को दोनों ही दलों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में जो है वो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में किसी तरह से एक साथ ना हो पाए और टकराहट की जो स्थिति है वो निर्मित ना हो जाए, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को रोकने का जो उनका प्रयास है वो जो है
किया जा रहा है और देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो अब विधायक निवास के सामने बैठ गए हैं और मोर आवास मोर अधिकार के तहत वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ चल रहे। ये आप लोग आज रायपुर ग्रामीण विधायक के निवास का घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? सिर्फ एक बात है, प्रधानमंत्री आवास शहर का हो या गांव का हो, सरकार ने रोक रखा है। शहर में तो अनलिमिटेड प्रधानमंत्री आवास होते हैं, गांव के लगभग 2011 और 2016 की सूची मिला करके 16 लाख लोगों का आवास है, ये सरकार दे नहीं रही है, बस इतना ही मामला है। सामने कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं जो केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी बात कहने आए अपनी ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार सत्यनारायण शर्मा जी को नहीं करना चाहिए। लोग अपनी बात रखना चाहते हैं इसलिए उन तक आए हैं, उसका अवसर उनको देना चाहिए, ये वो गलत कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन में जो है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और लगातार दोनों ही तरफ से नारेबाजियों का जो दौर है एक तरफ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और दोनों ही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से यहाँ पर टकराव की स्थिति जो है वो निर्मित हो गई थी, लेकिन पुलिस कर्मियों के पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ से दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया है ताकि जो प्रदर्शन है दोनों ही पार्टियों का दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं का वो शांतिपूर्वक तरीके से चले और कांग्रेस समर्थक जो है वो भी अपने नेता के बचाव में यहाँ पर उतरे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप दोनों ही दलों की देख सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो विधायक निवास के करीब पहुँच गए हैं जहाँ पर पुलिस ने बड़ी संख्या में उनको रोका है और यहाँ पर एकदम माहौल देख सकते हैं लगातार जो है विरोध की स्थिति जो है वो निर्मित हुई है। बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और खुद विधायक सत्यनारायण शर्मा भी बीजेपी के जो नेता हैं कार्यकर्ता विरोध करते हैं उनके पास पहुँचे थे। अभी ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं वो बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलकर वो वापस लौट रहे हैं, उनकी मांगों को उन्होंने सुना है और अब इस तस्वीर को आप देखिए जब कांग्रेस के विधायक उनसे बीजेपी नेताओं से मिलकर लौटे हैं तो कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है कि उनके विधायक प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और वो उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुने हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर दोनों ही दल के आपस में कार्यकर्ता जो है एक दूसरे के पास मौजूद हैं और विधायक खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जो है चर्चा की। जो बीजेपी के नेता हैं कार्यकर्ता उन्होंने चर्चा की और पूर्वक सुना और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक विधायक जिनका विरोध हो रहा है वो वहाँ पर पहुँच के खुद ज्ञापन ले रहे हैं। ज्ञापन नहीं, उनके पास ज्ञापन तक नहीं लाए और इधर कूद बैरिकेडिंग तोड़ के कूद के आए लोग, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञापन लाए नहीं है जो देवे से ज्ञापन दे, आप उनसे पूछ लीजिए ज्ञापन है तो दे दे, मैं लेने के लिए तैयार, मैं खड़ा हूँ लेने के लिए ज्ञापन। तो एक अच्छा परिचय यहाँ पर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने दिया और वो खुद चलकर भाजपा के जो नेता है कार्यकर्ता है उनके पास वो पहुंचे और उनसे ज्ञापन लेने की बात कही, लेकिन जैसे विधायक सत्यनारायण शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्ञापन तक नहीं है और वो ज्ञापन का ही इंतजार कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के जो नेता है वो ज्ञापन देंगे ऐसा वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर और एक धैर्य पूर्वक उन्होंने उनकी बातों को भी सुना और वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आएंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज रायपुर।